कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पुनः आप सबों को इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए हम भक्तिपूर्वक भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा, हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया, कि हमारे लिए, कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा, तूने कहा, यह प्याला मेरे रक्त का, मेरे रक्त का नूतन विधान है, नूतन विधान है। यह तुम्हारे लिए, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है, बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं, हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार, हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की, तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है, कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर, हम पर दया कर और हमें, और हमें हर बंधन से, हर बंधन से मुक्त कर, मुक्त कर। आमीन, आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे लिए पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन और हृदय को एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हो वहां पर प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु ने आपको यह मौका दिया है कि आप इस प्रार्थना में भाग लें। धन्यवाद दीजिए इस मौके के लिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको इस समय आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको सांत्वना दे रहे हैं, आपके हृदय को हल्का कर रहे हैं, आपके मन को शांति दे रहे हैं। एहसास कीजिए, विश्वास कीजिए, स्वीकार कीजिए।
आज प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने मन और हृदय को इस समय तैयार कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को आलोकित कीजिए, पवित्र आत्मा को भेजकर मेरे हृदय को इस समय उदार बनाइए, मेरे हृदय को उत्साह से भरिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं है, प्रभु ने हमें त्यागा नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, त्याग दिया है, ये सच्चाई नहीं है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 में, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका दिल टूट गया है प्रभु उसे संभालता है। आपके जीवन के हर पल में प्रभु आपको संभालते रहे, विश्वास करना। पूरे पवित्र बाइबल में हमें ईश्वर की वाणी सुनने को मिलती है, और ईश्वर बाइबल के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा हमें संबोधित करता है, और प्रभु का एक एक वचन हमें जीवन दे सकता है, देता है। आज हम एक वचन पर मनन करेंगे, नहमिया का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 10, बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, तुम्हारी शक्ति है। कई वर्ष पहले इलाहाबाद में पढ़ रहा था, उस समय हम जहां रहते थे उसके बगल में एक परिवार रहता था, एक जवान दंपति, बहुत ही सुंदर लोग, बहुत अच्छे लोग। 5 साल का उनका बेटा था, बहुत ही अच्छा लड़का, सुंदर लड़का, सबके साथ घुलता मिलता था, बातचीत करता था, हंसता था, सभी लोग उसको पुचकारते थे। अचानक उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती है, ब्लड कैंसर हो जाता है, मर जाती है। अपनी मम्मी के मरने के बाद उस बच्चे का हाव भाव बदल गया। मैंने उसके बाद उस बच्चे को कभी मुस्कुराते हंसते हुए नहीं देखा। जीवन में दुख आ जाता है, विपत्तियां आ जाती हैं, हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जिनको मुस्कुराना नहीं आता है, हंसी तो दूर की बात है। आपके पति आपको, आपने खो दिया हो, आपका दिल टूट जाता है, आप निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, खुशी आपसे छिन जाती है। आपने अपनी पत्नी को खोया हो, आपका दिल टूट जाता है, दुखी हो जाते हैं, आनंद कोसों दूर चला जाता है। अपने भाई को खोया हो, बहन को खोया हो, बच्चों को खोया हो, आपके दिल में परेशानी आती है, दुख आता है, आप दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और आप हंस नहीं पाते, मुस्कुरा नहीं पाते हैं, एक सच्चाई है। या जीवन के शुरुआत से गरीबी में, तंगी में जीवन जिया हो, या पिता शराबी रहा हो, मारता पीटता रहा हो, परेशानी से गुजरे हो, दुखों से, रोगों से गुजरे हो, तो आप उदास हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आपका आनंद छिन जाता है। ऐसे में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। जब हम शोक से संतप्त हैं, जब शोक हमें अपने कब्जे में रखा है, तो हम दुर्बल होते जाते हैं, दुर्बल होते जाते हैं, दुर्बल होते जाते हैं। हमारे आश्रम के बगल में एक परिवार रहता है, कई साल पहले उस परिवार का मालिक मर गया, उसकी पत्नी बहुत गंभीर रूप से पीड़ित हुई। उन्होंने कहा कि मैं 10 रात लगातार सोई नहीं,
दस रात लगातार सोई नहीं, खाना पचता नहीं था, पागल जैसी हो गई थी, हमारे आश्रम में कभी आती नहीं थी, उल्टे आश्रम से घृणा करती थी, आश्रम के बगल में रहती थी, धनी है। एक दिन चुपके से वो आश्रम में चली आई। आश्रम में एक सत्संग भवन है, काफी बड़ा भवन है, प्रभु येसु की बहुत बड़ी तस्वीर वहां पर रखी हुई है, और उस तस्वीर के सामने खड़ी होकर वो रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। आप पढ़ेंगे बारूक का ग्रंथ अध्याय 5:5 में लिखा हुआ है, ओ यरूशलेम अपने संताप और शोक का वस्त्र उतार, अपने संताप और शोक का वस्त्र उतार। वो बहन प्रभु के उस तस्वीर के सामने खड़ी होकर अपने शोक को उतार रही थी। कई दिन बीत गए, प्रतिदिन आती थी चुपके से, प्रभु की उस तस्वीर के सामने खड़ी होती थी, रोती थी। धीरे धीरे उनको अपनी नींद वापस मिल गई, वो प्रार्थना में आने लगी, प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगी। यौहन का सुसमाचार अध्याय 16:20, प्रभु ने कहा तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। उस बहन के जीवन में यही घटित हुआ। आज वो प्रतिदिन प्रार्थना के लिए आते हैं, घंटों प्रभु के सामने बैठती हैं, बराबर उनके चेहरे पर आनंद मंडरा रहा है, वह शोक मिट गया, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। देखिए, अपने हृदय में बराबर शोक बनाए नहीं रखना, वचन में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 उसके वाक्य 19 में लिखा हुआ है, शोक मृत्यु का कारण बन सकता है, शोक मृत्यु का कारण बन सकता है, और मन का दुख शक्ति घटाता है, शोक विपत्ति में बना रहता है। एक बार और सुनिए, शोक मृत्यु का कारण बन सकता है, और मन का दुख शक्ति घटाता है, शोक विपत्ति में बना रहता है। उस बहन ने उस शोक को उतारा, वो प्रभु के आनंद से भर गई। वचन कहता है प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। तो सवाल ये खड़ा होगा, ये प्रभु का आनंद क्या है? What is this joy of the Lord? प्रभु का आनंद क्या है? कि अच्छा खाना मिलने पर आपको जो आनंद मिलता है वो प्रभु का आनंद है, अच्छा वस्त्र मिलने पर आपको जो आनंद मिलता है वो प्रभु का आनंद है, पैसा मिलने पर आपको जो आनंद मिलता है वो प्रभु का आनंद है, उपलब्धियों पर आपको जो आनंद मिलता है वो प्रभु का आनंद है, वासना का सुख, लैंगिक सुख मिलने पर आपको जो आनंद मिलता है वो प्रभु का आनंद है। ये सारा आनंद सांसारिक चीजों पर टिका हुआ है और इसलिए नश्वर है, मिट जाने वाला है। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक है प्लेजर और दूसरा है हैप्पीनेस, जॉय। प्लेजर का मतलब है मजा, हैप्पीनेस यानी जॉय का मतलब है आनंद, सच्चा आनंद। अंग्रेजी में कहा जाता है अ फूल सीक्स प्लेजर एंड अ वाइज सीक्स जॉय, यानी एक मूर्ख मजा ढूंढता है लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति आनंद ढूंढता है, सच्चा आनंद ढूंढता है। यह सारा आनंद मिटने वाला आनंद है क्योंकि संसार की चीजों पर निर्भर आनंद है। प्रभु का आनंद क्या होता है? पवित्र आत्मा का फल। प्रभु का आनंद है पवित्र आत्मा का फल। रोमियों के पत्र की अध्याय 14:17 में संत पौलुस बताते हैं कि यह ईश्वर के राज्य का लक्षण है। ईश्वर का राज्य, पौलुस कहते हैं, न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाने वाला आनंद, ये हमारा बल है। पवित्र आत्मा का आनंद हमारा बल है, वो बाहर से अंदर की ओर नहीं आता है बल्कि अंदर से बाहर की ओर बहता है, ये हमारा बल है। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित के अध्याय 13:52 में लिखा हुआ है कि प्रेरित आनंद तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, पवित्र आत्मा तथा आनंद से परिपूर्ण थे। प्रेरितों के अंदर पवित्र आत्मा का निवास था और उनके अंदर आनंद भी, भरपूर आनंद था, ये उनके लिए बल था।
और इसलिए वे किसी से डरते नहीं थे, किसी विरोधी से नहीं डरते थे, राजाओं से नहीं डरते थे, शासकों से नहीं डरते थे, वे आनंद से भरपूर थे। ये आनंद ही उनके लिए शक्ति बन गया। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में, वहां पर हम पढ़ते हैं पौलुस और सीलस फिलिपी नगर में सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे और वहां पर लोगों ने उसको पकड़ लिया, उनको पकड़कर बहुत बुरी तरह से पीटा, घायल कर दिया और उसके बाद बंदी गृह में डलवा दिया। उनके हाथ पैरों में जंजीरें थी, लेकिन वचन में लिखा हुआ है रात के समय, आधी रात में वे आनंदित होकर ईश्वर का स्तुति गान कर रहे थे, ईश्वर का स्तुति गान कर रहे थे। शारीरिक पीड़ाएं, चोटें उनके आंतरिक आनंद को, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद को छीन नहीं पाई। वे रात को प्रभु का स्तुतिगान कर रहे थे। चंपा हुआ, चमत्कार हुआ, भूकंप जैसा हुआ, दरवाजे खुल गए बंदी गृह के। आगे हम पढ़ते हैं बंदी गृह का कारापाल उनके सामने आकर घुटना टेकता है। पौलुस और सीलस के इस अजीब अनोखे आनंद और स्वतंत्रता को देखकर वो कारापाल आकर उनके सामने घुटना टेकता है, पूछता है भाइयों मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे भी ये मुक्ति मिल जाए। प्रभु का आनंद हमारा बल है। हम लूकस की सुसमाचार के अध्याय 1 में पढ़ते हैं स्वर्गदूत गब्रेल महामरियम के पास आता है और यीशु के जन्म का संदेश देता है, मुक्तिदाता के जन्म का संदेश देता है। स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी। मां मरियम ने पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को ग्रहण किया, पाया, वो आनंद से भरपूर हो गई और वो आनंद लेकर एलिजाबेथ के पास जाती है और एलिजाबेथ से कहती है मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हर विश्वासी की ये प्रार्थना होनी चाहिए, हर विश्वासी की एक घोषणा होनी चाहिए। एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के फल को अपने में धारण करना चाहिए। एक विश्वासी का बल होना चाहिए प्रभु का आनंद। मां मरियम के अंदर प्रभु का आनंद था और उसने एलिजाबेथ को इसका संदेश सुनाया, इसको एहसास कराया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार मैं व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आनंद क्या है, व्हाट इज जॉय, तो मुझे एक हल्का जवाब मिला, जॉय इज सिनलेसनेस, यानी आनंद पाप रहित अवस्था है। आनंद पाप रहित अवस्था है। आप देखेंगे स्तोत्रकार यानी दाऊद लिखता है स्तोत्र 51 उसके वाक्य 14 में, स्तोत्र 51 उसके वाक्य 14 में दाऊद लिखता है मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। दाऊद ने पाप किया था, दाऊद ने पाप किया और उस मुक्ति के आनंद पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद को गंवा दिया था। दाऊद कहता है प्रभु से, प्रभु मुझे मुक्ति का आनंद फिर प्रदान कर, मैं आत्मा से आनंदित होना चाहता हूं। जानते हैं पाप आनंद को छीन लेता है, पाप आनंद को बर्बाद करता है। उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 4 में आप पढ़ेंगे वाक्य 5 और 6 में, विशेष करके 6 में प्रभु काइन से पूछता है। काइन के अंदर अपने भाई के प्रति ईर्ष्या था, उसके दिल में उसके प्रति क्रोध था। प्रभु ने काइन से पूछा तुम क्यों क्रोध करते हो, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया। पाप हमारे आनंद को छीन लेता है, तो आनंद का मतलब है पाप रहित अवस्था। दाऊद कहता है प्रभु मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। हम प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 21 में पढ़ते हैं, योहन को एक दिव्य दर्शन मिला, वहां भी लिखा हुआ है, मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहां से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। योहन कहता है कि मुझे एक सुंदर दृश्य देखने को मिला, नवीन यरूशलेम आसमान से उतर रहा था सजा धजा, और उसे आवाज सुनाई दी, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। ईश्वर मनुष्यों के बीच निवास करेगा और उसके आंसुओं को पोंछ डालेगा, न मृत्यु रहेगी, न विलाप, न शोक। ये नवीन यरूशलेम क्या है? विश्वासियों का समुदाय, कलीसिया, विश्वासियों का समुदाय कलीसिया। उस समुदाय की पहचान के बारे में योहन से प्रभु ने कहा, वहां ना तो मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप। विश्वासियों के समुदाय को एक आनंद से भरपूर समुदाय होना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूं, द पर्सनल साइन ऑफ एवरी क्रिश्चियन इज जॉय। एक मसीही या एक विश्वासी की पहचान आनंद है। हमने मुक्तिदाता को जाना है, हम मुक्तिदाता के द्वारा मुक्ति का एहसास किया है, और इसीलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद है, और ये आनंद हमारा बल है, ये आनंद हमें शक्ति प्रदान करता है, ये आनंद हमें धैर्य प्रदान करता है। हर विश्वासी में यह आनंद होना चाहिए, यह कलीसिया की पहचान होनी चाहिए, एक ऐसा समुदाय जो आनंदित है, जो खुश है। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 उसकी वाक्य 4 में पौलुस कहते हैं, मैं आप लोगों से कहता हूं हर समय आनंदित रहो, रिजॉइस, हर समय प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। यह एक विश्वासी की पहचान है और एक विश्वासी का बल है। जब आप रोते हैं शैतान बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आप टूटने के रास्ते पे है, लेकिन जब आप आनंदित होते हैं शैतान डरता है। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसका आनंद रहता है तो लोग हमसे डरते हैं, शैतान हमसे डरता है। तसलोनिकियों के पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, हर समय प्रसन्न रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए, एवरी टाइम बी जॉयफुल, हर समय प्रसन्न रहिए। हमें हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, जीवन के दुखों में भी प्रसन्न रहना चाहिए। जानते हैं आनंद चंगाई में सहायक है, आनंद हमें चंगाई प्रदान करता है। जब लोग आते हैं पीड़ाएं लेकर, परेशानियां लेकर, रोने लगते हैं, मैं बोलता हूं देखो ठीक है तुम रोए, काफी ठीक है, अभी से तुम आनंद मनाओगे, तुम प्रभु से बोलोगी, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे चंगा करेगा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, आनंद मनाओ। आनंद में बल है, आनंद में चंगाई है, रोना नहीं ज्यादा। कुछ लोगों को बहुत बुरी आदत है रोना रोना रोना। कई बहनें यहां पर आती हैं, कभी भी मैंने उनके चेहरे पर आनंद नहीं देखा, हर समय रोने के लिए कोई कारण ढूंढती रहती है। हमारे जीवन में दुख जरूर आएंगे, एक विश्वासी और मसीह वो है जो दुख में भी आनंद मनाता है। पौलुस और सीलास को कितनी बुरी तरह से पीटा लोगों ने, घायल किया, लेकिन वे आनंदित थे, और वो आनंद उनका बल है, वो आनंद हमारे लिए चंगाई का कारण है। इसलिए कभी भी दुख को हमें पछाड़ने नहीं देना चाहिए, आनंद मनाना, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया बोल के प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि आनंद में हमारा बल है। कैसे हम आनंद प्राप्त करें या कैसे हम आनंद को बनाए रखें, कई तरह से,
जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा का फल आनंद मिलता है। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा का फल आनंद मिलता है। जब आप किसी को साथ देते हैं आपको पवित्र आत्मा का फल आनंद मिलता है। जब कभी आप प्रार्थना में अपने हृदय को खोलते हैं पवित्र आत्मा का फल आनंद मिलता है। लेकिन मोटे तौर पर मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, प्रभु के वचन को सुनना और प्रभु के वचन को पढ़ना। आप में से कई लोग पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन सुन तो सकते हैं। प्रभु के वचन को सुनना या पढ़ना, प्रभु यीशु ने कहा है यौहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 11 में, मैंने तुमसे ये सब बातें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु कहते हैं कि मेरी शिक्षाएं तुम्हें मेरा आनंद प्रदान करने के लिए और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण करने के लिए हैं। मेरी शिक्षाओं को जो सुनेगा, जो पढ़ेगा, उसको मेरा आनंद मिलेगा और उसका आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा है जो पवित्र वचन पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा का फल आनंद को पाया है। लोग बोलने लगते हैं, जब से मैं पढ़ने लगा पवित्र वचन, सुनने लगा, मेरे अंदर एक अजीब आनंद आ गया है। आप पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार की अध्याय 24 में, प्रभु यीशु के शिष्य यरूशलेम नगर से एमाउस जा रहे थे। मार्ग में यीशु उनके साथ हो लेते, पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं। पुनर्जीवित यीशु ने उनको शब्दों का अर्थ समझा दिया, पवित्र वचन का मर्म समझा दिया और आगे उन्होंने पुनर्जीवित यीशु को पहचाना। उसके बाद आपस में क्या बोल रहे हैं, वाक्य 32 में लिखा हुआ है, वे आपस में कह रहे थे, जब प्रभु हमारे लिए वचन की व्याख्या कर रहे थे तो हमारे हृदय कैसे उद्दीप्त हो रहे थे, हमारे हृदय कैसे उद्दीप्त हो रहे थे। जब पवित्र वचन को सुनते हैं, पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो आपके हृदय उद्दीप्त हो जाएंगे, आप आनंद से भर जाएंगे। दूसरा है प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप ईश्वर की पवित्र आत्मा के आनंद से भर जाएंगे, विशेष करके स्तुति के प्रार्थना के द्वारा, स्तुति के प्रार्थना के द्वारा। अभी मैंने कहा पहला तस्रोणी अध्याय 5 वाक्य 16, वहां पे पौलुस कहते हैं हर समय प्रसन्न रहिए, आगे लिखा हुआ है निरंतर प्रार्थना कीजिए। किस तरह की प्रार्थना, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थना के द्वारा आपका हृदय पवित्र आत्मा का फल आनंद से भर जाएगा। धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थना, लगातार प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं लोगों से कहा करता हूं, प्रेज अंटिल यू आर फिल्ड विद जॉय, तब तक स्तुति करते रहिए जब तक कि आप पवित्र आत्मा के फल आनंद से भर ना जाएं। मेरे जीवन में भी पीड़ाएं आती हैं तो मैं क्या करता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं खुशी के साथ। तो हमें अपने शोक को अपने धन्यवाद और स्तुति के द्वारा आनंद में बदलना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से इस समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे जीवन में बहुत शोक है, बहुत दुख है जो मुझे खाए जा रहा है। तेरे वचन में लिखा हुआ है प्रभु का आनंद तुम्हारा बल है, मुझे भी आनंदित होने के लिए कृपा दीजिए, तेरे पवित्र वचनों को सुनने की कृपा दीजिए, तेरे करीब आने की कृपा दीजिए, अपने शोक को तेरे सामने उतारने की कृपा दीजिए, आनंद धारण करने की कृपा दीजिए। तेरे वचन में मैंने सुना प्रभु कि स्वर्ग विश्वासियों का समुदाय आनंद से भरा हुआ है, प्रेरित पवित्र आत्मा तथा आनंद से परिपूर्ण थे और ये उनका बल था। मैं दुर्बल हो गया हूं, टूट गया हूं यीशु, मेरे दुखों के कारण टूट गया हूं, शोक के कारण दुर्बल हो गया हूं, मेरी दुर्बलता को दूर कर, अपना आनंद मुझे प्रदान कर। प्रार्थना कीजिए समय, प्रभु से बोलिए, प्रभु अपना आनंद मुझे प्रदान कर, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, पवित्र आत्मा का फल आनंद मुझे फिर प्रदान कर। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आज की आराधना में हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे।
प्रभु की पवित्र उपस्थिति के एहसास कीजिए इस समय। अपनी आंखें मंद रखिए, जीवित प्रभु के सानिध्य के एहसास कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस पवित्र क्षण के लिए कि प्रभु ने आपको इस प्रार्थना में भाग लेने का मौका दिया है। हम इतिहास नबी की ग्रंथ के अध्याय 6 में पढ़ते हैं, इतिहास प्रभु के मंदिर में बैठा हुआ था और प्रभु की महिमा से वो ढक गया। इस समय प्रभु की महिमा से ढक जाइए, अपने सारे विचारों और विकारों को दूर रखिए, दोनों हथेलियों को खुला रखिए, प्रभु की उपस्थिति स्वीकार कीजिए। इस समय बिलीव दैट द लॉर्ड इज विद यू राइट नाउ, विश्वास करना कि प्रभु आपके करीब हैं, आपके पास हैं। जिस तरह एक नन्ना सा बच्चा अपनी मां की गोद में पूरी तरह से आश्वस्त होकर लेटा है, उसी तरह प्रभु के अधीन हो जाइए। सारी चिंताओं को दूर रखिए, बीमारी के बारे में, अन्य प्रकार की बातों के बारे में चिंताएं अब कुछ देर के लिए दूर रखना। अब अपने आप को प्रभु के सानिध्य में लाना, वो आपको प्यार करते हैं, आपके लिए सोचते हैं। वो अपने पवित्र वचन में लिखा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वचन में लिखा हुआ है, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ दें लेकिन प्रभु मुझे नहीं त्यागेगा। वो आपको प्यार करने वाला प्रभु है, जिसने कहा कि तुम्हारी माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया। आपकी माँ को इस बात का पता लगने से पहले कि वो गर्भवती है, आप उसके गर्भ में हैं, प्रभु ने आपको जान लिया। आपको जानने वाले प्रभु, आपके लिए अपने हृदय और मन में योजना रखने वाले प्रभु इस समय आपके गरीब हैं। स्वतंत्र हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए। यीशु का सानिध्य महसूस कीजिए, वो आपको प्यार करते हैं। अंतिम पल तक यूदा इस्करियोती को प्यार करने वाले यीशु, यीशु को पकड़वाने वाले उस यूदा इस्करियोती को अंतिम पल तक प्यार करने वाले यीशु, आप और मुझे इस समय प्यार करते हैं, विश्वास करना। आप और मेरे पाप उनके सामने कुछ नहीं है, तुच्छ है। मनुष्य जाति का पाप ईश्वर के प्यार के सामने तुच्छ है। वचन में लिखा हुआ, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, ताकि जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु के पास विश्वास के साथ आइए, समय पूरे भरोसे के साथ आइए, आइए भरोसे के साथ मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद, यीशु मरने के बाद महिमा के साथ, महिमा के साथ तीसरे दिन जी उठे हैं, जी उठे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हमको प्यार करते हैं, हमको प्यार करते हैं, वो हमको प्यार करते हैं, वो हमको प्यार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, 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 प्रभु के आनंद में, प्रभु के आनंद में हमारा बल है, हमारा बल है। प्रभु के आनंद में, प्रभु के आनंद में हमारा बल है, हमारा बल है। प्रभु के आनंद में, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, तुम्हारा बल है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में, अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है। लोग आंखें बंद करके बड़ी खुशी के साथ मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में, अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में, अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, 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 आनंद मनाता है। हाथ छोड़कर उठाते हुए हालेलुया 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 धन्यवाद।
हालेलुया। आके मन कीजिए समय और अपने जीवन के सारे शोक को यीशु के सामने लाइए। हो सकता है आपके बचपन से आपको शोक का अनुभव हुआ, दुख का अनुभव हुआ, उदासी का अनुभव हुआ, आज तक आप उस उदासी को ढो रहे हैं और उस उदासी के कारण आपका चेहरा उतर गया है और उस उदासी के कारण लोग आपको प्यार नहीं कर पाते हैं, आप खुलकर मुस्कुरा नहीं पाते, हंस नहीं पाते हैं। अपनी उदासी को इस समय प्रभु के सामने लाइए और समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि मैं आनंदित होना चाहता हूं, मैं तेरा आनंद प्राप्त करना चाहता हूं। जैसे राजा दाऊद ने कहा, मैं भी कहना चाहता मुक्ति का आनंद मुझे प्रदान कीजिए। प्रभु के सामने अपने दुख को, शोक को ले आइए। हो सकता है कि आपने अपने जीवन में किसी को खो दिया है, अपने पिता को खो दिया, मां को खो दिया, अपने पति को खो दिया, पत्नी को खो दिया, बच्चों को खो दिया, भाई बहन को खो दिया और समय से आप दुखी हो गए हैं, शोक से भरे हुए हैं। यीशु के सामने लाना, यीशु को समर्पित करना। हो सकता है कि आप गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, आप खा नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए। प्रभु को समर्पित कीजिए, उस शोक को यीशु के पास लाइए। हो सकता है किसी से आपने प्यार किया, उसने आपको धोखा दिया, किसी ने आपने धोखा दिया, आपका दिल टूट गया, उस समय से आप दुखी हैं, उदास हैं, आपके अंदर शोक है। समर्पित कीजिए यीशु के सामने। हो सकता है कि आपने मौका गंवा दिया, आपको पढ़ना था, कुछ करना था, लेकिन कर नहीं पाए, वो आपको सताता है, परेशान करता है, उस शोक को प्रभु को समर्पित कीजिए। हो सकता है कि आपने बड़ी उम्मीद के साथ विवाह किया, लेकिन आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई, आपके पति आपको छोड़कर चले गए, आप उससे दूर हो गए और आप पीड़ित हैं, शोकित हैं। इस समय उस शोक को यीशु को समर्पित कीजिए। याद करना, प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अपने शोक को इस समय, अपने दर्द को, विशेष करके अपनी पीड़ा को प्रभु को समर्पित कीजिए। हो सकता है कि आपने अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से परवरिश की, लेकिन बड़े हो गए आपके तिरस्कार किए, आपके वृद्धावस्था में आपका ख्याल नहीं करते हैं, आप अकेले हैं, आप बहुत दुखी हो गए हैं। प्रभु को दीजिए, मेरे भाई मेरी बहन, इस शोक को। क्या यीशु से ज्यादा आपको दुख मिला है? क्या यीशु से ज्यादा आपका तिरस्कार हुआ है? क्या यीशु से ज्यादा आपको शारीरिक पीड़ा मिली है? यीशु के पास लाना, यीशु के पास लाना। यीशु से बोलना, यीशु मैं दुखी रहता हूं, पीड़ित रहता हूं, मैं ऐसा जीना नहीं चाहता, ये मेरे लिए अच्छा नहीं, मैं जानता हूं इसे मुझे रोगी बना देता है, मैं दुर्बल होते जा रहा हूं इस दुख के कारण, इस शोक के कारण। तेरे वचन में भी लिखा हुआ है कि शोक मृत्यु का कारण बन जाता है और मेरी शक्ति को घटा देता है। ए प्रभु, मैं नहीं चाहता, मैं शोक को तुझे समर्पित करता हूं, तुझे हुए सारे दुख पीड़ाओं के साथ मैं अपने जीवन के शोक को समर्पित करता हूं। समर्पित करते जाना मेरे भाई मेरी बहन। गॉड लव्स यू माय ब्रदर माय सिस्टर। यीशु को समर्पित करते ये अपने जीवन के सारे शोक को, दुख को। रोना है तो रोइए, लेकिन आज रोइए, कल नहीं। यीशु को समर्पित करना, वो आपको प्यार करते हैं, विश्वास करना, उसने आपके लिए सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया है। वचन में लिखा हुआ, वो हमारे रोगों से, दुखों से लदा हुआ था, उसने आपको दुखों को अपने ऊपर ले लिया। लेना चाहता है, दे दो, अपने शोक को दे दो, उस पर भरोसा रखो। वो हमारे दुखों से लदा हुआ था, वचन में लिखा हुआ है, उनके कंधे पर रख दो अपने दर्द को, पीड़ा को। ढोना नहीं, ढोना नहीं, वो तो आ चुके हैं ढोने के लिए,
उनके कंधों पर रख दो इस समय, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और इस समय प्रभु की स्तुति करते हुए अपने दुख और पीड़ा को रो रो कर प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाओ। हालेलुया फ्रीडम 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 हालेलुया 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 हालेलुया। एक दो पल के लिए मौन हो जाना, अपनी आंखें बंद रखना। सरेंडर एवरीथिंग टू द लॉर्ड राइट नाउ माय सिस्टर माय ब्रदर, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करना। आप क्यों ढोना चाहते हैं दुख को, उदासी को? आप क्यों शोक को ढोना चाहते हैं? दे दो ना, दे दो दे दो दे दो, यीशु को दीजिए समय, यीशु को दीजिए। आइए हम इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। शक्तिशाली प्रार्थना है, आप मेरे पीछे गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को,
छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, जोर से जोर से गाइए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ जाते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, मौन होकर इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। यीशु अपने दिव्य रक्त से आपके शरीर और संपूर्ण व्यक्तित्व को इस समय अभिषेक दे रहे हैं, आपके घर को और आसपास को। यीशु का पवित्र रक्त हमारी सुरक्षा है, संरक्षण है। ग्रहण करते जाइए, ग्रहण करते जाइए। बिलीव दैट द लॉर्ड इज अनॉइंटिंग यू, विश्वास करना कि प्रभु आपको अभिषेक दे रहे हैं। आपके रोगी शरीर को इस समय अपने अभिषेक के द्वारा चंगा कर रहे हैं, विश्वास कीजिए। इस समय जो इस समय रोगी है, इस समय अपने रोग को प्रभु के अधीन करना। यीशु आपको प्रेम करते हैं, आपके सारे पापों को क्षमा करते हैं। अपने दिल में इस समय अपने पापों के लिए क्षमा याचना का मनोभाव रखना। इस तरह पेत्रुस ने कहा कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे बचा, ऐसा मनोभाव इस समय अपने हृदय में होना चाहिए। हम प्रभु से हक नहीं मांग रहे हैं, लेकिन प्रभु से दया की याचना कर रहे हैं। अपने दर्द पीड़ा और रोग को यीशु के हवाले कीजिए। यीशु को इस समय आपको छूने दीजिए, यीशु को आपके शरीर को छूने दीजिए, आपके शरीर में यीशु का पवित्र रक्त को बहने दीजिए। यीशु के पवित्र रक्त को आपके शरीर में नस नस में बहने दीजिए।
जहां जहां बंधन है यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से और योग्यता से इसी समय छुटकारा मिले। यीशु के नाम पर और यीशु की शक्तिशाली नाम पर, पुनर्जीवित यीशु के नाम पर, वेदी पर उपस्थित प्रभु यीशु के नाम पर, उनके पवित्र रक्त की शक्ति और देह की शक्ति के द्वारा इसी वक्त आपको हर प्रकार के रोग से छुटकारा मिले, पुराने से पुराने रोग से छुटकारा मिले, गंभीर से गंभीर रोग से छुटकारा मिले, एड्स के रोग से, कैंसर के रोग से, मिर्गी के रोग से, अन्य प्रकार के रोगों से इसी वक्त आपको चंगाई मिले, छुटकारा मिले। द लॉर्ड इज हीलिंग यू। यीशु आपको छू रहे हैं, यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। स्वीकार करते जाइए, स्वीकार करते जाइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग जो दुख में हैं, आज तक प्रभु को कोसते रहे हैं, आज से प्रभु के करीब आ रहे हैं, वे प्रभु के करीब आएंगे। प्रभु को कोसना, दूसरों को कोसना बंद करेंगे, प्रभु के पास अपने दुख और पीड़ाओं को समर्पित करेंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थैंक द लॉर्ड। आइए बड़े विश्वास के साथ संत पापा की सुंदर प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। उसमें धुले हमारे पापों के दाग।